वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 118 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 109 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। और आज है 24 जनवरी 2020 और यह पहला टेस्ट है यूपीएससी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 119 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। बेल आइकन को प्रेस रखना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, सबका लिंक जो है टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर वन है, शेखर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, है क्या शेखर? पहला स्टेटमेंट कहता है शेखर प्याज की एक किस्म है और इसे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। देखिए, हाल ही में प्याज का मुद्दा बड़ा चर्चा में रहा, लेकिन यह प्रश्न प्याज के संदर्भ में नहीं है, गलत है पहला स्टेटमेंट। शेखर जो है वो गुलदाउदी की एक किस्म है। किसकी? गुलदाउदी जो पौधा होता है ना, तो गुलदाउदी की एक किस्म है। तो पहले को एलिमिनेट कर दो और इसे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, तो दूसरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, जो शेखर है वो गुलदाउदी की एक नई किस्म है और इस किस्म को गामा विकिरण के द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण की प्रक्रिया से विकसित किया गया है। गुलदाउदी की इस नई किस्म में दिसंबर के अंत से फरवरी के मध्य तक फूल आते हैं और इसके फूलों का आकार जो है वो गुंबद की तरह होता है, इसलिए पहला गलत है क्योंकि यह प्याज की किस्म नहीं है। इसे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। गुलदाउदी एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, किंतु इसे मूल रूप से यूरेशियन क्षेत्र में उगाया गया था, इसलिए दूसरा करेक्ट है। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा के फेवरेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम है इसी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के साथ लिया जाता है, अलग से वो कंडक्ट नहीं होता। जब आप प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि केवल क्या आप यूपीएससी सिविल सेवा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर यूपीएससी सिविल सेवा के साथ साथ भारतीय वन सेवा के साथ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और भारतीय वन सेवा के लिए आपको पता ही होगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, जो ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए उसके लिए। या तो आपने बीएससी किया हो या फिर आपने बीटेक किया हो, उसमें दो तीन ऑप्शन है, वो आप पढ़ लेना नोटिफिकेशन के समय। तो इसलिए ये प्रश्न जो हैं पारिस्थितिकी से संबंधित, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित या फिर तोता मैना पक्षी और तितली तक के प्रश्न जो पूछ लिए जाते हैं इसी चक्कर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दो है, बोलेमी पाइन ग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है क्या ये बोलेमी पाइन ग्रोव? देखिए, बोलेमी पाइन ग्रोव को IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में इसको रखा गया है और इसका प्राकृतिक वास स्थल बोलेमी नेशनल पार्क सिडनी है। तो कौन सा करेक्ट होगा इसमें बताइए। बोलेमी पाइन ग्रोव के संदर्भ में दो स्टेटमेंट हैं, पहला भी करेक्ट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, और दूसरा भी करेक्ट है। तो इसका अब पूछा गया है इसमें, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, सही नहीं है मतलब कौन सा इसमें असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों सत्य हैं। तो देखिए, बोलेमी पाइन ग्रोव जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में संकटग्रस्त अति संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में इसको रखा गया है, तो पहला तो करेक्ट है। और बोलेमी नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ ये जंगली पेड़ बोलेमी पाइन पाए जाते हैं और वर्तमान में बोलेमी पाइन के 200 से भी कम पेड़ बचे हैं और बोलेमी नेशनल पार्क ग्रेटर ब्लू माउंटेंस एरिया का एक हिस्सा है जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पूछा है कि सही नहीं है। इसको यहाँ पर देख लिया कीजिए कि क्या पूछा है, सही नहीं है पूछा है या फिर सही है पूछा है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एरोपोकैलिप्स रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर है और मिजोरम के लुंगलेई में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे कम है और प्रदूषण निगरानी कार्यक्रम में शामिल 80% से ज़्यादा भारतीय शहरों में PM10 की मात्रा तय मानकों से अधिक है।
अगर मॉर्निंग की करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ी होगी तो इस प्रश्न को करेक्ट कर ले जाओगे। देखिए, जो मॉर्निंग की करंट अफेयर्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ना केवल यूपीएससी के छात्रों के लिए बल्कि जो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो इग्नोर मत करना, मॉर्निंग के करंट अफेयर्स के साथ जितने भी यूपीएससी के सेट आते हैं उसको हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, समय निकालिए। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट आई है अभी, एरोपोकैलिप्स रिपोर्ट। इसमें दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित नहीं है। सबसे प्रदूषित कौन सा बताया था मॉर्निंग में? झारखंड का झरिया है सबसे प्रदूषित। और उसके बाद कम प्रदूषित कौन सा है? झारखंड का ही है धनबाद, और कोयले की खानों के कारण प्रदूषित है ये। और इस रिपोर्ट में जो भारत के 10 सबसे प्रदूषित हैं उसमें जो दिल्ली है वो सबसे 10वां प्रदूषित है, मतलब 10वें नंबर पर है। तो पहले को एलिमिनेट कर दो क्योंकि गलत पूछा, कौन सा गलत है इसमें। अब अगला देखते हैं, और सबसे स्वच्छ कौन सा है वायु प्रदूषण में? मिजोरम का लुंगलेई, तो दूसरा करेक्ट है। और तीसरा भी करेक्ट है क्योंकि वायु प्रदूषण की निगरानी कार्यक्रम में शामिल 80% से ज़्यादा जो भारतीय शहर हैं वो PM10 की मात्रा तय मानकों से भी अधिक हैं। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड तो करेक्ट है, क्योंकि गलत हमको बताना, तो केवल पहला यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ होना चाहिए झारखंड का झरिया। तो देखिए, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एरोपोकैलिप्स रिपोर्ट के अनुसार 231 भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का जो है उच्च स्तर बरकरार है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कोयला खाद्यान्नों के लिए मशहूर झारखंड का झरिया सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ जो है PM10 मतलब पार्टिकुलेट जो मैटर है वो 10 का वार्षिक औसत इससे जो है 322 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जो है भारत का 10वां सबसे प्रदूषित शहर है। सबसे प्रदूषित हो गया झारखंड का झरिया और दिल्ली हो गया भारत का 10वां सबसे प्रदूषित, इसलिए दूसरा इनकरेक्ट और पहला है करेक्ट। पहला था क्या ऑप्शन में? हाँ, इसलिए पहला है इनकरेक्ट। बाकी अगले के एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट क्या कहती है? जो मिज़ोरम का लुंगलेई है, मिज़ोरम के लुंगलेई में सबसे कम वायु प्रदूषण पाया गया है और PM10 का वार्षिक औसत स्तर 11 माइक्रोग्राम प्रति घर मीटर दर्ज किया गया है, इसलिए है दूसरा करेक्ट। और प्रदूषण निगरानी कार्यक्रम में शामिल 80% से ज़्यादा जो भारतीय शहर हैं उनमें PM10 की मात्रा तय मानकों से भी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लेटिपस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़िए उनको और बताइए कि कौन सा इनमें इनकरेक्ट होगा। प्लेटिपस, तो प्लेटिपस इसे IUCN की लाल सूची में विलुप्त मतलब एक्सटिंक्ट श्रेणी में रखा गया है और इसका प्राकृतिक वास स्थल दक्षिण अमेरिका है। देखिए, प्लेटिपस जो है अभी एक्सटिंक्ट कहाँ है? अभी तो वो नियर थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड है यानी देखा जाए तो निकट संकट है। अभी निकट संकट के बाद पहुँचेगा वो संकटग्रस्त में, फिर उसके बाद गंभीर रूप से संकटग्रस्त में, फिर विलुप्त। तो बहुत लंबा सफ़र है ना। अभी गलत है पहला स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है पहला, एलिमिनेट कर दो। जहाँ जहाँ पहला गलत है नीचे देख लेना पूछा क्या है। और इसका जो वास स्थल है प्राकृतिक वास स्थल दक्षिण अमेरिका भी नहीं है, गलत है। इसका जो वास स्थल है दक्षिण अमेरिका नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, कौन सा सही है? तो कोई भी सही नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा। इसका जो प्राकृतिक वास स्थल है यह है, देखिए, प्लेटिपस इस तरह से दिखता है प्लेटिपस। और इसको डग विल प्लेटिपस भी बोलते हैं क्योंकि, और हिंदी में बोलते हैं इसको बत्तख चोंची प्लेटिपस, क्योंकि इसका जो मुंह होता है ना, देखो बत्तख की तरह ना, तो उसको बत्तख चोंची प्लेटिपस बोलते हैं, डक विल प्लेटिपस। तो देखिए, ये जो पाया जाता है ना प्लेटिपस, वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में नहीं पाया जाता, इसलिए दूसरा जो है वो गलत है। और यह एक स्तनधारी जीव है मतलब मैमल है जो बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, डक विल प्लेटिपस जो है, या आम भाषा में इसको बोलते हैं बत्तख चोंची प्लेटिपस, ये एक स्तनधारी है, स्तनधारी है एक। और स्तनधारी होते हुए इम्पोर्टेंट इसलिए UPSC के लिए क्योंकि ये बच्चे देता है, बच्चे की जगह अंडे देता है, सॉरी, ये स्तनधारी है मतलब मैमल है और बच्चे की जगह जो है ये अंडे देता है। और प्लेटिपस जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची में निकट संकट है, मतलब ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है अभी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, नियर थ्रेटेंड है, तो पहला इनकरेक्ट है। और दूसरा भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में ये नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक सही है ना ही दो सही है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, डक विल प्लेटिपस। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में हुई थी, पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह एक 2 वर्षीय कार्यक्रम है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2019 में। कब हुई थी? 2019 में हुई थी, इसी वर्ष, मतलब पिछले वर्ष। और यह 2 वर्षीय नहीं बल्कि यह 5 वर्षीय कार्यक्रम है। तो दूसरा भी गलत है, तो सही पूछा है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2019 में, ना कि 2017 में। और यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है, इसलिए दूसरा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ह्यूमनाइड रोबोट बायोमित्र के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है, हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में है बायोमित्र। तो देखिए, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने विकसित किया है और यह इंसानों की तरह बात करने में सक्षम है। इसे गगनयान की उड़ान से पहले आकाश में भेजा जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि अंतरिक्ष में तापमान और हृदय संबंधी परिवर्तन मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। कौन सा एलिमिनेट कर दूं बताओ इसमें से? देखिए, सारे के सारे तो करेक्ट हैं, किसको एलिमिनेट किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो देखिए, ह्यूमनाइड रोबोट जो बायोमित्र है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने बायोमित्र नामक ह्यूमनाइड रोबोट का प्रदर्शन किया। इस रोबोट की मुख्य विशेषता यह है कि यह इंसानों की तरह बात कर सकती है और धातव्य है कि गगनयान की उड़ान से पहले परीक्षण के तौर पर ह्यूमनाइड रोबोट बायोमित्र को आकाश में भेजा जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि अंतरिक्ष में तापमान और हृदय संबंधी परिवर्तन मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। और इसरो ने मिशन गगनयान के लिए दिसंबर 2021 तक की समय सीमा को निर्धारित किया है। इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन ऑलरेडी हो चुका है और उन्हें शुरुआती प्रशिक्षण भारत में मिलेगा और एक एडवांस प्रशिक्षण उन्हें को दिया जाएगा रूस में। कहाँ दिया जाएगा? रूस में दिया जाएगा। तो यह है ह्यूमनाइड रोबोट, नाम है इसका बायोमित्र। तो ये रोबोट चाहती तो इसको पुरुष प्रधान समाज की तरफ अग्रसर करते हुए पुरुष बनाया जा सकता था, लेकिन इसको महिला बनाया है, वुमेन एम्पावरमेंट की ओर एक और कदम। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में इनकी जयंती गुजरी है। तो 23 दिसंबर, मतलब कल ही इनकी जयंती थी। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 है, उन्होंने वर्ष 1920 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा पास की थी। दूसरा स्टेटमेंट है, वे 1938 और 1939 के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की 113वीं जयंती मनाई गई। देखिए, यहाँ पर जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, 1938 और 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, करेक्ट है। और 1920 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठित, क्या नाम था उससे पहले, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी, ये भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। और हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 113वीं नहीं बल्कि 123वीं जयंती मनाई गई है भाई, 123वीं जयंती मनाई गई है। और प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को इनका बर्थडे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, मतलब ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2। तो 3 को एलिमिनेट कर दीजिए। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हाल ही में 23 जनवरी 2020 को 123वीं जयंती मनाई गई और 23 जनवरी 1987 को ओडिशा के कटक में जन्मे थे ये, और आज़ाद हिंद फौज नाम से पहले भारतीय सशस्त्र बल की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने वर्ष 1920 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठित यानी ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि कुछ दिनों बाद 23 अप्रैल 1921 में उन्होंने भारतीय संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष को देखते हुए इस्तीफा भी दे दिया अपने पद से, और जिसके पश्चात वे स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हुए और 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे में रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो गई और नेताजी की मौत आज भी जो है लोगों के बीच पहेली बनी हुई है, रहस्य बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो वर्ष 2019 में जलवायु परिवर्तन के 2 सबसे बड़े प्रभाव दक्षिण अमेरिकी अमेजन वर्षा वनों एवं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगने वाली आग है, जिसमें लाखों जीव जंतु, वनस्पति और मानव जाति प्रभावित हुए हैं, सभी को पता होगा। स्टेटमेंट एकदम ही करेक्ट है पहला।
और वर्ष 2019 में वैश्विक रूप से चरम मौसमी घटनाओं के कारण मारे गए लोगों में से 18% से अधिक व्यक्ति एशिया और अफ्रीका के हैं। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर एब्सोल्यूट नॉनसेंस है? देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, बिल्कुल कोई इसमें नॉनसेंस नहीं है, दोनों के दोनों विधिवत हैं एकदम। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, वो था करेक्ट। तो देखिए, वर्ष 2019 में जलवायु परिवर्तन के दो सबसे बड़े प्रभाव आपको देखने मिले, एक तो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न वर्षा बनो और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगने वाली आग, जिसकी वजह से लाखों पेड़ पौधे जीव जंतु जलकर भस्म हो गए। और देखिए, वर्ष 2019 में वैश्विक रूप से चरम मौसमी घटनाओं के कारण मारे गए लोगों में से 18% जो लोग थे वो एशिया और अफ्रीका के हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में चरम मौसमी घटनाओं के कारण दुनिया भर में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। तो देखिए कितना ये जो प्रभाव है, ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली आग हो गई, अमेज़न वर्षा वनों में लगने वाली आग, ये सब क्या है, ये क्या है? एनवायरमेंट का चेंजेस तो है ना, जलवायु परिवर्तन ही है, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में ही प्रश्न बना लिया हमने, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है, मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इस रिपोर्ट में वनों, वन जीवन, कृषि, ग्रामीण विकास, जल और स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहलू शामिल होते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरमेंट रिपोर्ट, देखिए स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरमेंट रिपोर्ट जो है उसके संदर्भ में सेकंड तो करेक्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती, गलत है स्टेटमेंट पहला वाला। तो फर्स्ट को एलिमिनेट करके केवल 2 हो जाएगा इसका आंसर। यह जो रिपोर्ट है वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट एवं डाउन टू अर्थ द्वारा जारी की जाती है, इसलिए पहला है इनकरेक्ट। और यह जो रिपोर्ट है वो वनों, वन के जीवन, कृषि, ग्रामीण विकास, जल, स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहलू इसमें शामिल होते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरमेंट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरमेंट रिपोर्ट जो है वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट मतलब CSE और डाउन टू अर्थ के द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा नहीं। 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 स्टेटमेंट है नीचे। पिछले 2 वर्षों की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी मतलब जो भारत की राजधानी है दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में आई एरोपो कैलिप्स रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली भारत का 10वां सबसे प्रदूषित शहर है, जो 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची इस रिपोर्ट ने दी है। तो हाँ करेक्ट है, पहला झारखंड का धनबाद है, और दूसरा कौन सा है, पहला झारखंड का झरिया है और दूसरा झारखंड का धनबाद है और तीसरा है उत्तर प्रदेश का नोएडा। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। तो देखिए, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एयरपोकैलिप्स रिपोर्ट के अनुसार 231 भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है और पिछले 2 वर्षों की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वायु प्रदूषण में सुधार हुआ है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली भारत का 10वां सबसे प्रदूषित शहर है, अतः पहला भी करेक्ट हो गया और दूसरा भी करेक्ट हो गया। तो देखिए, ये कुछ 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इनका रिविज़न 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक इस टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।